गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं समाज के नाम एक बहुत ही मजबूत संदेश प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें शिक्षक, शासक, साधु और सैनिक जो चारों बहुत ही सम्मानित प्राचीन समय से पद या पेशे रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, परंतु बीच बीच में जो सुनने में आता है मीडिया के माध्यम से या स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस में इन वर्गों के विरुद्ध संगीन मामले दर्ज होने पर एक अलग सी धारणा विकसित हुई है पिछले दिनों। उसमें मैं समाज से एक बात साझा करूंगा कि विश्वास बनाए रखें, फिल्ट्रेशन और पेनिट्रेशन दोनों जो साइंस के वर्ड हैं, यानी छेद या पृथकीकरण जो बात आती है, यानी उनको छाना जाए अच्छे और बुरे में, किसी एक लाखों में से एक चोर सिपाही के पकड़े जाने पर जो सेना में भर्ती से पूर्व भी संगीन अपराधी था, परंतु स्थानीय स्तर पर लोगों को उसके रोजगार के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके जो जांच के दौरान हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं कि इसका जीवन सुधर जाएगा, पेट भर जाएगा, खुद सुधर जाएगा, इस तरह उदारता वश जो भाव उनका जो होता है आगे चलकर वो ज्यादातर मामलों में नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, परंतु एक इस तरह के अपराधी से ये मानसिकता बना लेना, धारणा बना लेना समाज की, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेना पर बैठा वो बहादुर सैनिक सर्दी गर्मी वर्षा की परवाह न करते हुए अपने बाल और बच्चों से बहुत दूर और निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के लिए जान हथेली पर लेकर दिलेरी के साथ रक्षा कर रहा है, तो उनके प्रति धारणा नहीं, उनके लिए हमें सम्मान, सैल्यूट टू दैट सोल्जर्स, निश्चित रूप से उन लोगों को पहचान कर लेनी चाहिए गुप्तचर एजेंसियों को या दूसरी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, वो ये अच्छे जांच पड़ताल कर लें और अपना दायरा और भी बढ़ा लें। ज्यादा विश्वास हो, मैं शुरू से बार बार कहता रहा हूँ कि फोलोग्राफिक टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट इसलिए चलते हैं कि ज्यादा संदेह की स्थिति में सामान्य पूछताछ से काम न चलाया जाए और उसका इस तरह का टेस्ट कर लिया जाए, ताकि सेना के प्रति जो लोगों की श्रद्धा, विश्वास और आदर जो रहा है, मेरे पारिवारिक माहौल में भी सैनिकों की काफी संख्या रही है, शुरू से बताया जाता रहा है कि जो उपायुक्त वगैरह दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हों, विशेष रूप से इस तरह के निर्देश समय समय पर सरकार देती रही है, केंद्र राज्य सरकार, कि सैनिकों और सैनिकों परिवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और ऐसा अधिकारी करते हुए इसमें कोई दोहराए अपवाद स्वरूप स्थिति को छोड़कर जो नासमझी के मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, अगर आधार किसी का मामला हो भी तो उसको नजरअंदाज, यानी साइंस भी मानती है जो एक्यूरेसी का जो सब्जेक्ट वो मानता है कि नेगलिजिबल, यानी वो एक तरह से नकारा जाता है उसको, गणना में नहीं, तो वो स्थिति आ गई तो उनको सम्मान दिया जाता रहा, उनका जो कर्म है वो निश्चित रूप सैनिक अपनी जिंदगी को हर समय राष्ट्र के तत्पर रखता है कुर्बान करने के लिए, सैनिक सदस्य सम्मान के पात्र रहे हैं, प्राचीन समय से रहेंगे और हर राष्ट्र के धरो, हर राष्ट्र के सम्मान स्वरूप वो उनके जीवन नहीं, उनके देश के लिए कुर्बान होने के बाद भी वो देश की बहुत बड़ी धरोहर की तरह संजोए लोग रहते हैं। आम आदमी मरने के बाद में खाकर उसकी मिट्टी मिल जाता है, परंतु सैनिक के साथ ऐसा नहीं, सैनिक का सम्मान राष्ट्र के लिए कुर्बान करने के बाद भी वर्षों तक बना रहता है, उन लोगों के दिल से मिटता नहीं। तो इस तरह की जो अफवाह स्वरूप जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो सैनिक के नाम पर कलंक
और ना ही सैनिक, उनको वर्दी पहना चाहिए, उनको सैनिक नहीं हुए। कईयों को पता लगता है पहले गाड़ी चोर गिरोह का सदस्य था, कईयों को पता लगता है कि ये पहले जो है फर्जी यानी नोटों का धंधा करता था। इस तरह की बातें सामने आई, और यहाँ तक कुछ सीमावर्ती राज्यों तो और भी संगीन बातें सुनने वाली कि पहले वो इस तरह की जो यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संलिप्त संगठन सदस्य भी सेना ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह की उदारता भी सैन्य संगठनों को किसी अवस्था नहीं दर्शानी चाहिए कि राष्ट्र के मुख्य धारा में आ जाएंगे। वो मुख्य धारा के स्थान पर वो एक प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के लोगों को किसी भी स्तर पर सैन्य बलों में स्थान नहीं मिलना चाहिए, और सेना की छवि, सेना के प्रति सम्मान वैसा ही उससे बढ़कर होना चाहिए। इनके त्याग और बलिदान का कोई मुकाबला किसी अन्य वर्ग के साथ नहीं है। 24 घंटे अपनी जो अपना सीना तान कर रखना और राष्ट्र के लिए गोली खाने को तैयार रहना, गोली दुश्मन को मारने के लिए तैयार रहना, यानी इस प्रकार की बातें इनको निश्चित रूप से सम्मान की पात्रता प्रदान करती है और मिलना चाहिए। ये मैं सैनिकों के मामले में, और सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट टू द सोल्जर्स। आगे मैं 6वीं बात करूं, शिक्षक कहते हैं व्यक्ति और पशु में अंतर ज्ञान के आधार पर ही होता है। व्यक्ति की समझ, अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो पशुवत हो जाएगा। कहते हैं दानव मानव और देवता, ये वर्गीकरण उसकी समझ और उसके व्यवहार के अनुसार। यदि व्यक्ति उद्दंडता का व्यवहार करता है, असभ्यता का व्यवहार करता है और नुकसानदायक व्यवहार करता है समाज राष्ट्र के लिए, तो उसकी दान डेविल सॉल्व। यदि व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है, अपना काम करता है सामान्य और अपना जीवन यापन करता है, न सकार पॉजिटिव एक्टिविटीज, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, यानी वो न्यूट्रल स्थिति में सिर्फ अपने खुद के पेट के लिए जीता, अपने घरेलू काम करता, अपने घर परिवार को संभालता है, उसे मानव कहते हैं। तीसरी श्रेणी व्यक्ति देवता, जो अपने से अलग समाज और राष्ट्र के लिए काफी कुछ, चाहे धन की बात हो, अगर धन उसके पास हो तो उसका दान करे, दान का मतलब साझा करे समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई। और यदि अन्य कि वो पेशेवर है तो वो अपने पेशे से समाज और राष्ट्र को लाभ देने की कोशिश करे। कहते हैं कि चिकित्सक और शिक्षक सिर्फ अस्पताल और विद्यालय में ही अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उनके सड़क पर उन्हें कर्तव्य है कि सड़क पर चलते टाइम अगर चिकित्सक के सामने कांच पड़ा है तो उसको हटा दे। उसके बाद समझ है कि अनेक लोगों के पैरों में चुभने काम करेगा और या गाड़ी में टायरों में चुभने काम करेगा, ये उसका नैतिक दायित्व। इसी प्रकार चिकित्सक सिर्फ अस्पताल में जहां वो सेवा कर रहा है, अपना वेतन आहरित कर रहा है, वही नहीं, यदि उसको रेल के डिब्बे में बैठे हुए किसी यात्री को किसी पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है तो उसको आगे आ जाना चाहिए, फुल का आगे आ जाना चाहिए। चिकित्सक भी 24 घंटे समाज का सेवक बनने का दायित्व उसका है, उसकी मॉरल ड्यूटी है कि जहां अगर इस तरह कोई दिक्कत आ रही है तो वो खड़ा हो और लोगों का सहयोग करे, इससे उसका सम्मान बढ़ेगा, पेशे के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। और ये शिक्षक की स्थिति है। शिक्षक प्राचीन समय से कहते हैं कि व्यक्ति किसी पद पर पहुंच जाए और कितना भी मद यानी उसके पास दौलत हो जाए, शिक्षक के प्रति सम्मान आज भी देखा जाता है, कि वास्तविक योग्य शिक्षकों के प्रति सम्मान वैसा ही वो लोग दर्शाते हैं। शिक्षकों के साथ भी ऐसा हुआ, लाखों में से एक अपराधी शिक्षक जो रात को कहीं बुरी चीज बेचने सेल्समैन का काम करता था और विद्यालय परिसर में आकर नियुक्ति मिल गई उसको बगल फिल्ट्रेशन में जाते हैं, वहां आकर उसने दूसरे अपराध को अंजाम भी देता था। कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी मीटिंग में इस तरह बातें कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति व्यक्तियों को सिर्फ ये होना काफी नहीं है कि उसके पास शैक्षिक उपाधि थी, उसकी जो प्रतिशतता थी वो उसको वानिक्त होने के लिए आधार प्रदान करनी चाहिए, काफी नहीं। नियुक्ति के बाद भी जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष भाव से, यहाँ हर बार सरकार के अधिकारियों से बात की जाती है, एक बात भी अच्छी साझा करते हैं कि हम इस तरह का अभियान चलवा देंगे, परंतु उसमें उत्पीड़न के मामले बढ़ जाते हैं। कई निर्दोष लोगों को लोग अपने जो हेरा फेरी का शिकार बना डालते हैं, सही अपराधी न पकड़कर कभी योग्य व्यक्तियों को पकड़ खड़ा कर दें कि सर मेरी वो उचित नहीं होगा। इस तरह के लोगों को निष्पक्ष एजेंसियां
ध्यान दें और ऐसे लोगों के हवाले न छोड़े जो किसी को राज तिरस्कार बना दे कि मुझे आने पर चाय नहीं पिलाते, मेरी चमचागिरी नहीं करते, फलान नहीं करते। उस तरह के लोगों को इस तरह का अधिकार दिया नहीं जाता, निश्चित रूप से वो ऐसा दुरुपयोग कर देंगे कि योग्य लोगों का मनोबल तोड़ दे। कम से कम इस तरह का मामला मैं मानता हूँ आईएएस स्तर के अधिकारी या आईपीएस कैडर के ऑफिसर को सख्ती दी जाए। इससे नीचे के स्तर पर अगर इस तरह की सख्ती दी गई तो वो बहुत उसकी बर्बादी कर डाले, और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो बड़े स्तर के अधिकारी यानी अगर विभाग शिक्षकों की बात की जाए, वो प्राथमिक शिक्षक से लेकर यूनिवर्सिटी शिक्षक, शिक्षकों के मामले में सबसे ज्यादा जो समस्या सामने जो आई है वो काफी शिक्षकता को लेकर आई है। कई बार सर्वोच्च न्यायालयों ने, सर्वमान्य न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामले की सुनवाई करते हुए कि मुझे ये मामला सुनते हुए भी शर्म आ। अभी जींद की अदालत में न्यायाधीश महोदय ने कहा जब दोषी के वकील द्वारा पैरवी की जा रही थी कि ये मामला सुनते हुए शर्म आ, ये लोग क्या सुनेंगे इसको, मैं 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दे रहा हूँ और सेवा बर्खास्त के आदेश। मैं न्यायाधीश महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको भी सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से इंग्लिश के पीजीटी शिक्षक को जींद की अदालत में, अन्य अदालत ने कठोर सजा सुनाई है और उसकी जुनूनी हरकत में चैनल पर साझा नहीं कर सकता। परंतु तो मैं ये इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को बहुत देरी ना की जाए, देरी से समाज काफी नुकसान उठा हो चुका हो, तो उसके बाद में अगर उसको फांसी के फंदे और लटका दिया जाए तो उस अपराध की जो भरपाई नहीं हो पाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पेशा है, इसमें बहुत ही अलग यानी मॉनिटरिंग की जरूरत है, सामान्य से काम नहीं चलेगा। कई बार अपराधी काफी बड़ा अपराध कर चुका होता है, इसी तरह पिछली बार जो सैनिक विद्यालय झुंझुनू का मामला था जहां सांसद हनुमान बेनीवाल जो नागौर से लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था कि फास्ट ट्रैक बैठाकर उसके जो वहां जो अपराधी शिक्षक था उसका अपराध काफी घिनौना और बहुत बड़े स्तर का अपराध था। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को सामान्य स्तर पर न लिया जाकर फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा यानी मामले की 24 घंटे सुनवाई कर कुछ न्यायाधीशों द्वारा इसके निपटान कर इसको फांसी की सजा जैसी भी सजा कठोर दी जा सके वो दी जाए। तो ये मामले जो बार बार आ रहे हैं, इसमें माननीय अदालतों से भी कहूंगा और पुलिस अधिकारियों से कि वो कई बार ये भी एक दो बार मेरे ये सुनने में आया कि बड़े जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा बीच में एक नेता द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है। तो मैं माननीय साथियों से, आदर के योग्य साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को चाहित कर सकता है उसका। इस तरह के मामले हमने देखे हैं कि बाद में हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से उसी के विभाग के बड़े अधिकारी से अपना सहयोग लेकर और उनको विश्वास में लेकर कई बार इस तरह की ईमानदार अधिकारी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। काफी मामले सामने आए, एक नहीं, परंतु घबराए नहीं, निश्चित रूप से कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी ने कहा था ये जो एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, कुछ यानी टोटल जो एनर्जी है वो सेम वही रहती है, नए लॉस और क्रिएशन नहीं होता, सिर्फ फॉर्म बदलती है। तो आपको एक स्थान पर नुकसान हो सकता है। मैं कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला इसलिए लेकर आया हूँ कि निश्चित रूप से विभाग में हो सकता है किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपका कुछ नुकसान करवा दे, परंतु दूसरी तरफ आपको निश्चित रूप से लाभ भी होगा। लोग आपकी चर्चाएं करते हैं, कलम पैसे देकर चलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं वास्तव में दबंग अधिकारी था और वो टकराया, इस तरह के भ्रष्ट नेताओं से टकराया, दबाव नहीं आया और नुकसान भी उठाया। ये भी निश्चित रूप से इस तरह के ईमानदार अधिकारी को नुकसान उठाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय। तो मैं ये कहूंगा कि वो इस तरह के मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें और किसी दबाव में नहीं आए और सख्ती के साथ इस तरह के चरित्रहीन शिक्षक का जहां भी दिखाई दे कुछ लें। तो ये मैं सैनिक और शिक्षक के बाद साधु, साधु के पिछली बार जो मामले आए, ये कई बार अपराधी साधु का वेश धारण कर लेते हैं। ये एक आजकल सुरक्षा एजेंसियां भी हमारे देश की बता रही हैं संबंधित अधिकारियों, क्योंकि आप किसी वेश पर विश्वास नहीं करते। यानी जब हम जाते हैं सेना के कैंप की तरफ तो हम देखते हैं वो हमें सिलेंडर होने के लिए कहते हैं, हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि आजकल ये पहचान नहीं है कि वो व्यक्ति किस वेश में आएगा। ऐसा आजकल देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े अपराधी जो हत्या करने वाले दूसरे अपराध को छिपने के साधु का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लोग वहां उस स्थान पर कमाएं टेरा वगैरह में।
और वो उनकी शनिश्चरी बन जाए, और देर सवेर फिर बड़े अपराध को अंजाम देते हैं, तो पता लगता है 20 साल पहले ये उस मूल स्थान वहां से संबंधित व्यक्ति था, और इसने हत्या के मामले से बचने के लिए और यहाँ इसने बना ले रखी थी। तो ये बात भी ठीक नहीं, और दुख तो तब होता है। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े अपराधी जो साधु के वेश में बैठा था, उसकी गिरफ्तारी समय एक सरकार का मंत्री उसके साथ में उपस्थित था, और ये भी कह रहा था कि इसके आशीर्वाद से मैं इतना पला बढ़ा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा मुंह और शरीर और गाड़ी और माल सब कुछ बढ़ गया। बाद में पता लगा कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई उस समय वहां से भागा, और बचाव किसी तरह उसका कैसे प्रशासन किया उसने नहीं पता, परंतु उसका वहां से लगाव था और वो व्यक्ति उस अपराधी से जुड़ा हुआ था, और कई बार ये भी सुनने में था कि वो सरकारी धन की साझेदारी उसे कर देता अपने कोटे वगैरह तक। तो ये बातें चलती रहीं, खैर उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, परंतु मेरा यह मतलब साधु में के सम्मान की बात हूँ, साधु संतों का सम्मान समाज करता रहा है। तो इस तरह की हत्यारे अपराध वो वेश धारण कर लेना या किसी नेताजी से संपर्क कर लेना, उससे हमें कौन मतलब। हम चाहते हैं कि साधु और संतों का सम्मान बना रहे और उनकी तपस्या प्रार्थना है। यदि उससे मानसिकता बदल लें कि साधु सभी ऐसे नहीं होते, नहीं साधु तो ऐसे होते हैं। अब देखो साधु नहीं था, वो हत्यारा था, उसने फिर वेश धारण कर, तो इस तरह की बातों से हमें घबराना नहीं। और जो उनके पास अनैतिक साधनों धन जुटने बाद जो अगर नेता या अफसर अगर जो उनके पास जाता है, भाइयों से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज वो नाराज ना हो, और इनके पास इस तरह की बातें जो बार बार देखते हैं कि उनके पास बड़े बड़े अधिकारी वहां जाना, आप सोच सकते हो कि अपराध किस कदर कर डालेंगे। ये बात विशेष रूप से मैं शासकों की तरफ इसीलिए बढ़ रहा हूँ कि शासक भी बड़ा सम्मानित पद है, और भैया वो इस तरह की बातें करके मनोबल समाज करना है थोड़े, और उन लोग समाज का नहीं, उन शासकों का कद भी छोटा नहीं करें जो बड़ी ईमानदारी साथ अपने शासकीय कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे बतौर अधिकारी दे रहे हो बतौर चाहे वो जनप्रतिनिधि दे रहे हो। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँ कि ये जो अपराधी किस्म के इस तरह के साधु का जो वेश धारण किए बैठे हैं, पहले मैंने कह दिया साधु संत तरु से ही तपस्वी हैं, उनमें बुराइयों का स्थान नहीं है, और उन्होंने ऐसे ऐसे साधुओं जिन्होंने 60 60 वर्ष तक जंगल में रहकर सिर्फ प्रकृति को सींचने के अलावा कुछ नहीं किया, भूखे पेट और प्रकृति को सींचा है। मैंने खुद ऐसे स्थान देखे जब पता लगा कि हजारों वृक्ष महात्मा जी की कृपा से इतने बड़े पले बड़े हैं। तो साधु पुराने जमाने के, आज भी मोहन साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे, हिंदू समाज तो भरा पड़ा ऋषि मुनियों के नामों से एक थी। तो मैं विश्वामित्र जी से लेकर और पुरानी बातें जो भी, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साधु तो तपस्या के प्रतीक, जो अपनी तपस्या शक्ति प्राप्त करके हमें आशीर्वाद देने आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। तो उस समाज को सम्मान दिया, मुझे आज भी याद है कि हर स्थान पर किसी भी जगह वो पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से लोग अलग आदर के साथ वहां बैठाते हैं, बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु तो इस तरह मुट्ठी भर हजारों संतों में से अगर एक अपराधी कोई हावी हो गया है और उसको कोई धन प्राप्ति के लिए स्थान प्राप्त हो गया, तो इस तरह के लोगों को फिल्टर किया जाए, शासन द्वारा ही करना पड़ेगा। और तो हमारे पास क्या अलग से, समाज के मौका वो नहीं आती कि उस समय वो इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हो कि उनके पास इतना ज्यादा धन और संपत्ति वहां हो जाती है कि आम नागरिक को तो मतलब ही नहीं हो पहुंचे, और ना वो काबू में आते किसी व्यक्ति के या गाँव के। तो शासन उन लोगों पर भी अपनी दौड़ लगाए, और इस तरह के लोगों को ज्यादा अंदर शय न दे। मैं जरूर एक प्रार्थना करूंगा कि बार बार ये देखने आ रहा है कि एक अभी यहाँ उत्तर भारत के मामला था, इसके पकड़ा गया तो इसके पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी के साथ यहाँ ये पूजा पाठ करता था, मान्यता थी, किसी का बताया गया कि भाई उस परिवार में उस प्रधानमंत्री से इसकी मान्यता थी, कभी कहा गया उस डीसी साहब से घर में इसकी मान्यता, इस तरह बातें नहीं आती मैं जो मोटे को बता रहा था, पता नहीं। तो मेन बात यही मैं कहना चाहूंगा कि साधु समाज के संतों का सम्मान बना रहे, जैसे पुराना था उससे भी आगे बढ़े, शिक्षित समाज ज्यादा समझेगा, और उनकी तपस्या के बल पर आज समाज पला बढ़ा है, राष्ट्र पला बढ़ा है, उनको उनको भी नतमस्तक, उनको पांव दो, ऐसी कोई बात नहीं।
और सभी समाज के लोगों से। कई बार देखने में आता है कि कुछ साथी बाद में साझा करते हैं कि सर आपने ये बात सिर्फ एक धर्म विशेष के नहीं, हम पहले कह चुके हैं कि चैनल का प्रयास जो है शांत और सभ्य समाज के निर्माण का है, और सभी पाकिस्तान में रहने वाले नागरिक भी जो सभ्य नागरिक, कट्टरपंथी अफगानिस्तान और चीन से जुड़े परंतु सभ्य नागरिक, पढ़े लिखे नागरिक जो उदार प्रवृत्ति के हैं, जिनमें कट्टरता का स्थान नहीं, पहनने में बोलने में कैसे भी, और धनी और शिक्षित लोग भी गरीब भी हो सकते, तो वो तेजी से पलायन कर रहे हैं, वो एक तरह से अपना शरणस्थली लंदन को बना रहे हैं। कई बार ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ करीब 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तान नागरिक जा चुके हैं, धनी नागरिक, और यहाँ से इतनी बड़ी पूंजी ले जाते हैं छोटी। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने पहले भी एक डाला था कि जो पीस मॉडल के जितने लोग सभ्य, उन सब का भारत में स्वागत है, और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के व्यापारी, वैज्ञानिक और शिक्षक और पत्रकार, कई बार पाकिस्तान की लेखिका, महिला लेखिका जो बात देखता हूँ बड़ी अच्छी लिखती है, कि ऐसा हो कि सिंध वाले सारे पत्रकार और पढ़ने वाले बम्बई आ जाएं, अहमदाबाद आ जाएं, और इधर लाहौर वाले यहाँ दिल्ली आ जाएं, तो दिल्ली आ जाएं, लुधियाना आ जाएं, अमृतसर आ जाएं, अमृत उनके मूल स्थान रहा अमृतसर, अम्बाला आ जाएं, चंडीगढ़ आ जाएं, शिमला आ जाएं, कोई दिक्कत। तो मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड काफी दूर है, और इंग्लैंड से भी सुंदर, लंदन से भी सुंदर दुनिया उनके पास है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा, सिंध और हमारा देश के गुजरात और महाराष्ट्र, उन लोगों की संस्कृति और पुराने जमाने के साथ में, इसमें कोई दौरा नहीं है, एक सीमा, एक लाइन खींच देने से जो उनके दिलों का बंटवारा नहीं है, उनमें सामाजिक और भाषाई एकता है। इधर से लाहौर वाले जो लाहौर, पुराना पंजाब लाहौर से लेकर पलवल तक जो रहा, तो लोग लंदन न जाए, और जो उदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उन लोगों से मैं विशेष प्रार्थना करूंगा, और भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उस तरह के सभ्य लोगों को, सिर्फ हिंदू सिखों को नहीं, अगर इस तरह के सभ्य और योग्य व्यक्ति, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी, यदि हमें हमारे यहाँ आना चाहिए, उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि लंदन में अपना जमाड़ा न बनाए और भारत के शहरों को अपना जो है शरणस्थली रूप में चुने। तो मैं यही कहना चाहूंगा, शांत और सभ्य, सभी लोगों का समान, और भारत की जो पहचान थी वो अभी हम चैनल के माध्यम से विश्व स्तर फैलाएंगे कि हमारे देश में जो शांत और सभ्य लोगों से मुक्ति, लोग जाने, पूरी दुनिया के सभ्य लोग ये माने कि किसी भी राष्ट्र के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हम इंडिया जाएंगे वहां लोग शांत भाव के, अपराध की प्रवृत्ति धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, समझ के माध्यम से, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे भारत में ये चीजें लुप्त हो जाएं। पुराने जमाने में कहते हैं कि इंडियन आदमी बाय नेचर, बाय ब्रत जो है वो युद्ध प्रेमी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये काफी एक समझदारी भाषा में आती है, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा हो, निश्चित रूप से युद्ध प्रेमी लोग नहीं, शांत जिंदगी जीना चाहते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि, पर ये मैं दुश्मनों से ये बताना चाहता हूँ कि उस शांति का ये भी मतलब नहीं है, हमारे समय से प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता रहा है कि उस शांति का मतलब कमजोरी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आफत आ पड़ी तो लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया, परंतु आम जीव, मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ, मैं हमारे सेना के मामले की बात नहीं कर रहा, वो लोग शांति प्रिय हैं। आप एक व्यक्ति किसी समाज का, किसी भी देश का यहाँ रहकर देख लें, उसको पूरा समाज शांति से रहते, नहीं वो उसको अल्पसंख्यक मानते, नहीं उसको पराया मानते, सहयोग करने की मुद्रा, मानवता के मामले में भारत, और ये नहीं कि हम भारतीय लोग का है, विदेशी लोग मानते हैं कि उन लोगों में बड़ी मानवता है। एक बार मुझे एक सेना के अधिकारी ने ये बात साझा की थी कि पाकिस्तान से बूढ़ा मेरे पास आ गया कि मैं चाय की स्टॉल लगाना चाहता हूँ, हालांकि हम एक प्रकार से सैन्य आदेश तो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं, छूट दे सकते थे, परंतु सच्चाई ये थी कि मैंने अपने स्तर पर फैसला लिया, अपने जोखिम के स्तर पर, कि शायद ये व्यक्ति जैसा बोल रहा है अंदर से वैसा ही, और उसने कहा 20 वर्ष तो उसने सेना को चाय पिलाने का एक गया, और रोता हुआ पाक अधिकृत कश्मीर से आया था वो, कि मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता वहां, और मुझे यहाँ आने दो, मैं यहाँ काम करूँ, सेना की सेवा करूँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का आया और उसने सेना की सेवा की। तो मैं वो कह रहा हूँ कि इस तरह के अगर लोग जो दिल से, बनावटी नहीं, दिल से वास्तव में, चाहे उनका बसने से पहले पोलोग्राफी टेस्ट कर लिया जाए,
अगर इस तरह के लोग वास्तव में चाहते हैं कि मैं यहाँ आकर रहना चाहता हूँ और शांत जिंदगी जीना चाहता हूँ, सम्मानित चाहता हूँ, उनको अवसर मिलना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा साधु और संतों का सम्मान पहले से ज्यादा बढ़े और उनके मार्गदर्शन में समाज चलने को तैयार है। जैसी गाइडलाइन और जैसी दिशा और वो जो साधु महात्मा देंगे, वैसे समाज को चलना चाहिए। और जो धर्म क्या है, ये हिंदू धर्म आदि काल शुरू माना जा रहा है, बाकी मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, ये इसी युग में बहुत लंबे अरसे की बातें नहीं, पैदा होकर अच्छी बातें बताई, वो महात्मा ही थे, साधु संत ही थे, कि भाई ये बुरा काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो। गुरु नानक देव जी 500 वर्ष पहले ही पहुंचे, तो सेवा पर जोर दिया उन्होंने। मोहम्मद साहब ने शोषण मुक्त समाज पर जोर दिया, यानी कंसेप्ट उनकी मोटी मोटी बात है। महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध जी ने जीव कन्या कन्या दया भाव को, ये सामान्य सी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जीवन के आदर्शों को मानता है, ये नहीं है कि मैं मानता भी और आदर्शों को, उनके आदर्शों को मानता भी, ठीक है। तो इन महात्माओं की बातों की तरह वर्तमान महात्मा भी इनसे एक पे एक बढ़कर कम नहीं है, हमारे समाज में आज उपस्थित है, और उन्होंने समय समय पर समाज को अच्छा संदेश दिया, समाज को पोषित करने का काम किया। तो लाखों में से एक अपराधी के उनके बीच में यानी घुसपैठ करने से उससे समाज का सम्मान कम नहीं करें, उसी गति से चले। कई बार अब मैं शासकों की तरफ, निश्चित रूप से आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पल बढ़ रही है, और जहां लोकतांत्रिक नहीं है, जहां थोड़ी अराजक व्यवस्था, वहां भी मैं एक बात कहूंगा कि शासक वही बनता, वही व्यक्ति बनता जो उस समूह द्वारा स्वीकारी नेता हो। ये एक आम धारणा है, ये पुराने समाज से भी बात की जाए, आदिम समाज से, तो राजा का शासक का ये मतलब है कि वो अन्य व्यक्ति उसको अपने से श्रेष्ठ मानकर मित्रित्व करने का अवसर, कि वो ज्यादा कुशल है, ज्यादा योग्य है, अतः वो हमारा नेतृत्व करे, दिल से अपने हित में उसको शासक स्वीकार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शासक के मामले में भी ऐसा है कि व्यक्ति 100 कार्यों का जो निपटान करता है, उसमें से 80 कार्य ठीक निपटा दे, 20 कमी रख दे, तो वो कहते हैं कि बुराई ज्यादा दिखती है। तो यही शासक के मामले में भी है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करूं, अधिकारी लोग और जनप्रतिनिधि थोड़ा सा सामाजिक दायरा अपना बढ़ाने, लोगों से ज्यादा समस्याएं जो भी सुनने वाले, वो समाज से दूरी ना, समाज के नजदीक आए। मैं अधिकारियों से कहूंगा, एक अधिकारी जो मैंने सुना था, उसने अपने पीओ को हटाकर ये कहा था कि भाई जो भी आए व्यक्ति आए मिलने के लिए, आपका काम सिर्फ उनको उसको बेसिक जानकारी लेना है, बाकी आप यहाँ नहीं दो। क्यों? पता है कि चाहे उपायुक्त स्तर का अधिकारी हो, इतनी को भीड़ जमा नहीं होती डेली, उनके पास को बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति, एक आध व्यक्ति वहां पहुंचते, 2-4 पहुंचते, और ऐसे जनप्रतिनिधि मामले कि वो निर्वाचन के बाद सप्ताह महीनों में एक दिन जरूर अपना घर खुला रखें, अपना कार्यालय खुला रखें, कि मैं इस तारीख को, इस दिवस को यहाँ मिलता हूँ। ये सभी पर बात है, ये कोई दलगत बात नहीं है कि उस दल का यूज नहीं, जनप्रतिनिधि जो है वो एक ग्राम पंचायत का सरपंच भी काफी बड़े समूह को नेतृत्व करता है। मैं अगर मोटी भाषाओं करूँ 3-4 हजार का, तो लोग नजदीक पहुंचे जनता के। यूनान के राज्यों की अवधारणा पढ़ें, किस जमाने की बात है, अरस्तु प्लेटो, आदर्श राज्य, तो आदर्श शासक बने और समाज के मुंह से, मैं शुरू से कहता हूं, जिन लोगों का उनसे संबंध है, काम पड़ता है, उत्तरदायित्व है, उन लोगों के मुंह से आए कि वे अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है। ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य व्यक्ति को, किसी को किसी का चेक काट कर नहीं देना, कोई उसके नाम, कोई अपनी पूंजी उसके खाते में ट्रांसफर नहीं करते हैं, सामान्य बात जो रखते हैं जनता, जनप्रतिनिधि, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके साथ साझा करनी चाहिए और सही बात पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी बात अगर कोई सटीक नहीं, तो उनको समझाने प्रयास करना चाहिए, आपकी बात मैं नहीं कर सकता, आपकी जो अमुक मांग है या मेरे जो सहयोग है, ये नीतिगत नहीं है, इसलिए मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से शासक और प्रशासक, शासक विशेष रूप से ध्यान दें और जनता के और करीब आए, जनता से जुड़े। मैंने पहले भी कहा था कि फोन अटेंड करना सीखे, ज्यादा देखने में आता है कई बार, इस तरह के अधिकारी कह देते हैं पीएम हो गया, आप ही कर लेना, बता देना साहब मीटिंग में, तो
ये ठीक नहीं, ये मैं उनको बताता हूँ। वो शासक शासक वर्ग जो है, हम नहीं, शासक वर्ग को समझाए, जो संगठन है आईएएस एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसी प्रकार से दूसरे जो उनके स्टूडेंट संगठन, वो लोग सजग हैं कि भाई आपका काम ठीक नहीं, आप सुधारें, जनता में अच्छा फीडबैक जाने दें हमारा भी। तो मैं ये कहूंगा कि हम नहीं कहेंगे उनकी आलोचना, उनके जो समकक्ष हैं, उनके खुद संगठनों के जो सदस्य हैं, वो उनसे कहेंगे आप कार्य अच्छा करें और लोगों से जुड़ें। और ये बात शासक जो जनप्रतिनिधि, आज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसी की जिद्दी न करें। कई बार हम देखते हैं काफी अच्छी बातें साझा करते हैं, उसके बावजूद भी ये कहना कि उस पर गौर न कर, ये ठीक नहीं। गलत बात न सुनी जाए, पॉजिटिव बात सुनने की आदत विकसित करें सभी जनप्रतिनिधि। मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं कि सामने जनता के सम्मुख खड़े होकर बातचीत करें और अच्छी बातें जो बताई जाए, समाज सुधार के लिए, कुकान निर्माण की बात हो। मैंने पहले कहा था कि हमारा प्रयास शांत और सभ्य समाज, चोर कैसे पैदा होते हैं कारण, और चोर पैदा होने से रोकने का निवारण, ताकि भविष्य में पैदा न हो, उसके लिए क्या सामाजिक बदलाव किया जाए, क्या शासकीय बदलाव किया जाए, ताकि हमारे देश में चोर पैदा ही नहीं। इस पर भी तो चर्चा की जाए कि चोर किस कारण से पैदा होते हैं और उनको पैदा होने से रोकने के लिए क्या किया जाए, ये मुख्य बात है। तो मैं यही बातें मैंने बताया कि जो चारों वर्ग हैं, ये सम्मान की पात्रता रखते हैं, और इनके बीच में अगर कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए, और ये स्वयं भी अपने अपने वर्गों की साख बढ़ाने के अभियान युद्ध स्तर पर चला। किसी ने कहा था कि वो इफिशियंसी का लेवल होता है कि किस स्तर पर कार्य किया जाए, तो ये भी अपना अधिकतम इफिशियंट यानी मोर देन 80% इस कार्य को तेजी दें। धन्यवाद।